अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मैब और मैं आ गया हूँ आपके पास। यार आज से ना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रोड व्लॉगिंग। तो आज हमारा है रोड व्लॉग 1। तो देखते हैं, मैं रोड पे तो आ गया हूँ, अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं और आप भी साथ साथ चलते हैं। तो ठोकर आ गए हूँ यार, मैं ठोकर आ गया हूँ। तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है, और मेरा कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लाइक बस ऐसे ही निकल आया हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि जाऊँ कहाँ, क्या करूँ, और मतलब कुछ भी नहीं पता यार, कुछ भी कुछ प्लान नहीं है। बट ये रोड व्लॉगिंग है, लाइक रोड पर रहना है, देखते हैं। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा, और अभी मैं सोच रहा हूँ यार इतनी गर्मी में कौन निकलता है यार। तो देखते हैं, कुछ करते हैं, कहीं जाएंगे। यार इतनी गर्मी है यार, और मैं इधर पागलों की तरह बैठ गया हूँ, लाइक कोई काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है कहाँ जाना है, और फिर भी मैं धक्के खाने आ गया हूँ। तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता करना है। अच्छा, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ग्रुप देखें कहाँ गए ये लोग, देखें ये सारा का सारा ना जहाज ग्रुप बैठा हुआ है, निशाई हैं सारे के सारे। और इनके बिल्कुल सामने ऑपोजिट में ये पुलिस वाले खड़े हैं, और यार ये बिल्कुल खुलेआम नशा कर रहे हैं। लाइक पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन वो कुछ कहने को नहीं है। लाइक फिर ऐसी पुलिस का क्या फ़ायदा हमें। तो यार भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, मैं नाश्ता नहीं किया हुआ, सिर्फ मैंने थोड़ा सा तरबूज खाया था सुबह से, और कुछ भी नहीं। तो मैंने फ़िलहाल नाश्ता करना है। तो ठोकर ना एक बार पहले मैंने कहीं से नाश्ता किया था, एक चने खाए थे, तो इनके काफ़ी अच्छे होते हैं, अभी उनके पास ही जा रहा हूँ। तो नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपका, क्या करते हैं आप? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लस्सी बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये लस्सी का कैसा काम चल रहा है आपका? गुड है, गुड है। तो कितना एक दिन में कितना कमा लेते हो? 3,000-4,000 एक दिन का। एक दिन में 3,000-4,000 आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब फायदा हो रहा है सारे खर्चे निकाल के? सही हो गया। ये जो मैंने लस्सी वाले से पूछा, ये एक दिन का 3,000 कमा लेता है अपना प्रॉफिट, मतलब सारा कुछ खर्चे निकाल के 3,000 कमा लेता है। यार छोड़ो यार सब कुछ, मतलब महीने का 3,000 से बनता है, अगर दिन का 3,000 कमाए तो महीने के बनते हैं 90,000। तो यार छोड़ो यार, तुम लोग सब कुछ रेडी लगाओ यार, लस्सी बेचो यार, सारे के सारे लस्सी बेचो, लस्सी में बहुत फ़ायदा है, और बेचो यार लस्सी बेचो और कमाई जाओ यार। 40,000 की नौकरी करनी, सारा दिन जलील होके बच्चों के धक्के खा के जाना भी है ऑफिस में, और फिर जाकर 40-50,000 की नौकरी करनी है, उससे अच्छा नहीं अपनी एक डेयरी लगा लो और 3,000 डेली का कमाओ, और 90,000 यार महीने का। अगर दो डेयरियाँ लगा ले तो ना, एक से शुरू करो, फिर दो हो जाएंगी, दो का तो दो का 1,80,000, उफ यार इसमें तो बहुत प्रॉफिट है। छोड़ो यार सारे काम, छोड़ो लस्सी लगाओ यार, लस्सी की डेयरियाँ लगाओ। गाइस सीन ये है कि हमने अभी अभी किया है नाश्ता, और नाश्ता करके भी ना मेरे अंदर वो फ्रेशनेस ही नहीं आई यार, पता नहीं क्या सीन है। एक तो शोर इतना है ना, इतना ज़्यादा शोर है, ऊपर से ना बोलना इतना तेज़ पड़ रहा है यार, लाउड, और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इसलिए ये फ्रेशनेस नहीं आ रही। तो अच्छा सीन, हम ना ये मार्केट में आए थे, और यहाँ से मैंने लेना है एक माइक आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए ले रहा हूँ मैं। तो आप लोग जो वीडियोस लाइक नहीं ना करते और बोलते हो कमेंट्स में कि वॉइस नहीं सही आ रही, तो इसलिए मैं माइक ले रहा हूँ, तो सिर्फ आप लोगों के लिए, देख लो, सिर्फ आप लोगों के लिए बस। तो फिर भी अगर तुम लोग वीडियोस लाइक ना करो, शेयर ना करो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, तो फिर यार मर्ज़ी है तुम लोगों की, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, बट तुम लोग तो यार अच्छा लेते हैं, कोई माइक लेते हैं भाई, भाई माइक होंगे आपके पास, माइक कोई भी,
यार कैसे लोग हैं यार, ये इतना सा माइक होता है, इतना सा, वो माइक नहीं है यार इनके पास, ये देखो इतनी सारी दुकानें हैं और इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, इतना कुछ उन्होंने रखा हुआ है, इतना सा माइक नहीं रख सकते यार, क्या गंद लोग हैं ये। क्या हाल है, ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो? माइक मैंने ले लिया है और ये है हमारा माइक, तो अब क्या करें यार, इतनी गर्मी है ना, ऊपर से मैं सोच रहा था रोड पे रहूँगा पूरा दिन, एक रोड व्लॉग बनेगा और सारा दिन रोड पे रह के कैसे मैंने दिन गुजारा ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन भाई जितनी गर्मी है ना, मुझे तो ये अभी बहुत मुश्किल लग रहा है, तो यार करेंगे ऐसा कुछ, सर्दियों में भी करेंगे। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, पता नहीं यार मैं क्यों भटक रहा हूँ, बस ऐसे ही, तो ऐसे ही फिर रहा हूँ यार। हम लोग ना अभी आए हैं यार, हम लोग आ गए हैं नहर के पास, तो ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो नहर है यार, इतना मतलब इतनी बाहर गर्मी है ना, लाइक ये रोड पे इतनी गर्मी है तो, लेकिन इधर देखो नहर में लोग नहा रहे हैं यार, इतना इंजॉय कर रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है एक दो गोते लगा लूँ, लेकिन नहीं। तो आज की जो रोड व्लॉग की जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो ये नहर ही है, बाकी सब तो यार ऐसे ही था जो भी था, और इतना ठंडा ठंडा पानी बहुत मज़े का लग रहा है यार। तेरा मुखड़ा चंदा टुकड़ा ने तेरी अनक तेरे शू, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यार ये देखो बच्चे नहर में नहा रहे हैं यार, और गर्मी भी काफी है, और एक तो मजा आता है यार जब नहाओ ना, ये देखो ऊपर से छलांगे मारी जा रही है और डुबकियां लगाई जा रही है, ओ एक और यार लगता है नहर ज्यादा गहरी नहीं है ना, मैं भी लगा ना एक डुबकी। यार अभी ये बंदा इतनी गंदी कोई हॉर्न मार रहा था ना, ये पता नहीं क्यों गंदे लोग हॉर्न मारते हैं यार, और हम लोग अभी भी हैं रोड पे, तो आप लोग देख लो यार मैं रोड पे ही खड़ा हूँ, तो रोड व्लॉगिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रोड पर ही होंगे, तो रोड के इर्द गिर्द आते हैं यार, ये कोई जैज वाले यार इधर काफ़ी सिम्स आपको मिल जाती हैं, और ये गंदी ऑफर दे रही होते हैं, कह रहा है ऑफर है कि आप किसी एक नंबर पे कॉल कर सकते हो और एक हैंड फ्रीज मिलेगी 300 रुपये वाली, 300 की बता के वही 50 रुपये वाली गंदी हैंड फ्री होती है, और ये जूस वाला है कोई यहाँ पे भाई अनार का फ्रेश जूस बना रहे हैं, जूस के कप में आप लोग देख सकते हो ग्लास में ना आधा से ज़्यादा तो वो बर्फ़ डाली होती है यार। अच्छा ये ऊपर ऑरेंज लाइन जा रही है, ऑरेंज लाइन की छाँव तले हम लोग चल रहे हैं, हमें ऑरेंज लाइन की छाँव की बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे बाबा जी आराम फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पेपर देने के लिए यहाँ। पेपर देकर आए हैं या अभी जाना है? अभी जाना है। कौन सा पेपर है आज आप? सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल मशीन का। कौन सी क्लास का? सेकंड ईयर का। तो कैसी तैयारी है? सही है, अच्छे। और बाकी सारी कैसी तैयारी है, मतलब? अच्छी है। और बुटियाँ छुट्टियाँ भी लेके जा रहे हो? नहीं। चीटिंग वाला कोई सीट नहीं? नहीं, उधर सख्ती बहुत ज़्यादा। उधर सख्ती ज़्यादा है? हाँ जी। कैसा सुपरिटेंडेंट है? अच्छा। तो सुपरिटेंडेंट अच्छा है तो फिर भी सख्ती कर रहा है? सख्ती तो करनी होती है पेपरों में। यार मेरा नहीं और दिल कर रहा रोड व्लॉगिंग करने का, तंग आ गए हो यार मैं, इतनी गर्मी है ना ऊपर से, और गला भी खुश्क हो गया है यार, बोल बोल के कुछ पीना है यार। अभी फ़िलहाल तो मेरा दिल ये कह रहा है कि कोई काम नहीं होन तेनू इत्थे, चल होन करे नू चलिए। आज का जो व्लॉग है गया है वो यहाँ तक की है, तो यार अच्छा लगा हो ना या ना लगा हो आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी करना है, क्योंकि यार इतनी गर्मी में तुम लोगों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ यार, तो ओके फिर अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगर अगला रोड व्लॉग आप लोग चाहते हो कि इसके बाद भी कोई रोड व्लॉग आए तो मुझे बता देना, मैं फिर रोड व्लॉग नंबर 2 भी बना दूंगा, लेकिन रोड व्लॉग 1 जो है वो एंड हो गया है,
तो ओके फिर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टाटा बाय बाय।